अस्सलाम वालेकुम, ATV क्लिनिक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम हमेशा किसी एक मौजू पे बात करते हैं, आप लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट होके रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में अलग अलग सवाल होते हैं, देयर नॉट इंटरेस्टेड कि दूसरों का क्या मसला है। अनफॉर्चुनेटली एहसास ज़रा कम है हमारे मुल्क में, लेकिन कभी हमने इस बारे में बात नहीं की कि एक अगर हम जनरल पब्लिक को लेके चलें तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग किस्म के मसले होते हैं। आज हम बेसिकली सिर्फ आपके मसलों के बारे में बात करेंगे, जनरली आपके क्या मसाइल हैं, क्या क्या आपको मेडिसिन से रिलेटेड, एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्यों डॉक्टर से जाने से हम के पास जाने से हम घबराते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपके जितने सवालात हैं, आज ओपन लाइन एडिट क्वेश्चंस हैं, जितने सवालात हैं वो आप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी मैं आप सबके जवाब दूं। इस हफ्ते वैसे भी ब्रेस्ट वीक, कैंसर वीक मनाया जा रहा है और आज हमारे पास लाइन पे हैं डॉक्टर सरोज आरएफ, ऑनकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम ये पूरा वीक मना रहे हैं, ये तमाम ख्वातीन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में हर ख्वातीन की उतनी ही जिंदगी का और उनकी जिस्म का उतना ख्याल रखना जरूरी है जैसे कि मर्दों को ये हक है। तो अपना ख्वातीन को चाहिए कि अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेस्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसमें बिल्कुल झिझके नहीं। और हम इसमें फ्री कैंपेन फॉर द होल मंथ करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये महीना इसीलिए मनाया जाता है और स्पेशली ये वीक जो स्पेसिफिकली किया गया है ताकि लोगों में ये जो है रुझान पैदा हो कि वो अपनी बीमारी को अगर कुछ है बर वक्त डायग्नोज कर लें, क्योंकि इसकी अर्ली तशखीस हो जाए, अर्ली डायग्नोज हो जाए तो ये बीमारी काबिल इलाज है। अच्छा मैडम, आपने बात की कि ये पूरा मंथ फ्री कैंपेन्स होती हैं और फ्री क्या फ्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी होता है इसके थ्रू? जी बिल्कुल, और ये हमारे जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का एक हिस्सा है जिसमें हम स्क्रीनिंग उन खवातीन में जो यंग एज में या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या उनको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम लगता है, इररिस्पेक्टिव अगर उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं भी है और वो जा रही हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन हो रहा है या उनको कोई गिल्टी महसूस हो रही है, तो हम इसीलिए ये फ्री कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोग आकर अपने टेस्ट करवा सकें, डॉक्टर्स को फ्री मुआयना करवा सकें और जो है अगर खुदा ना खासा कोई मसला है तो उसकी फिर मजीद आगे से हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और उनका डायग्नोसिस हो सके। अच्छा मैडम, एग्जैक्टली अगर आप स्पेसिफिकली डेट्स बता सकें और ये कैंपेन्स किधर किधर पॉसिबली हो रही हैं, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जा सकें और अपना चेकअप करवा सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम पाकिस्तान की जगह जगह बहुत सारे कैंसर के हवाले से जो हमारे सेंटर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, शौकत खाना वगैरह में भी हो रहा है, लेकिन नूरी हॉस्पिटल में ये पूरा मंथ हमने फ्री कैंपेन चलाई है नूरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और हमारे दूसरे सेंटर्स भी हैं, उनमें हम पेशेंट्स को इनकरेज करने के लिए, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि कोई औरत अगर पैसों के मामले में या किसी किस्म की हिचकिचाहट है उसको कि किसी मर्द के साथ या अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ पा रही तो खवातीन इकट्ठी आ जाएं। और हम इस पे सेमिनार भी पहले भी हमने किया है और अभी हमारा दो दिनों बाद फिर दोबारा सेमिनार है, उसमें हम नॉलेज भी जितना है इसके बारे में वो जनरल पब्लिक में हम जितना भी कर सकते हैं हम प्रमोट करते हैं, तो उसमें हमने मेमोग्राम भी फ्री करते हैं और जो एग्जामिनेशन है डॉक्टर की कंसल्टेशन है वो भी हमारी फ्री है। अच्छा मैडम, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप रिस्ट्रिक्शन है या इज इट ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स, कोई भी आपके पास आ सकता है? दिस इज ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप, ओपन फॉर एवरीवन एंड वी वेलकम टू एवरी फीमेल इररिस्पेक्टिव कि वो 18 इयर्स की है या वो 70 इयर्स की है। आपने बात मैमोग्राम के हवाले से की, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल कि मैमोग्राम क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है मैमोग्राम के बारे में। जी, मैमोग्राम एक एक एक्सरे है जो कि ब्रेस्ट का अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये मैमोग्राम जो रिकमेंडेड है वो 40 इयर्स से अबव है, एनुअली करवाना चाहिए, साल में एक बार कराना चाहिए। यंग एज में हम मैमोग्राम नहीं करते, उसकी बजाय उसका अल्टरनेट है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड है, सोनो मैमोग्राम, लेकिन वो भी अगर डॉक्टर की एग्जामिनेशन में वो उसको कुछ महसूस होता है तो वो खुद डॉक्टर उसको तजवीज करता है कि सोनो मैमोग्राम करा लें। लेकिन जो है मैमोग्राम वैसे तो पूरी दुनिया में एनुअली रिकमेंडेड है कि हर खवातीन को
साल में एक बार जरूर कराना चाहिए 40 साल प्लस एज में. और ये एक जस्ट एक्सरे होता है, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है और इसमें खुदा ना खासा कोई सुई वाला टेस्ट नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि पेशेंट को कोई मसला हो. बस वो एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का और उसमें अगर कोई गिल्टी हो तो वो जाहिर हो जाती है. अच्छा, इज देयर अ स्पेसिफिक एज जिसके बाद आपने एक खास उम्र के बाद जो है वो रेगुलरली मैमोग्राम कराना, जैसे आपने कहा है कि ईयरली या टू ईयरली जो है वो कराना पड़ चाहिए, कौन से ऐसे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनको स्क्रीनिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हु शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी? जी, स्क्रीनिंग के लिहाज से स्पेशली वो लोग हाई रिस्क में जिनकी एज लेस देन 35 इयर्स हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, खुदा ना खास्ता उनकी कोई खाला बहन भी हो सकती हैं, मदर हो, खाला हो, नानी हो, लाइक मदर मेटरनल साइड पे हो, कोई रिश्तेदार फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो या सेकंड डिग्री रिलेटिव होता है, जिस तरह के दूर के कजन्स होते हैं उनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवरी का कैंसर हो या कोई और कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे लोगों में स्क्रीनिंग जरूरी है. और सेकेंडली जिनमें, अब हमारे मुल्क में तो हम बरका वन बरका टू जीन्स की वो नहीं कराते जो है टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता, अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिनमें वो पॉजिटिव हो तो उनको भी स्क्रीनिंग करानी जो है ना, उनके लिए हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए मस्ट है, उनको जरूर कराना चाहिए. अच्छा, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हो कि अगर किसी भी लड़की को फॉर एग्जाम्पल 17-18 ईयर्स के अंदर ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्रेस्ट लम्स बहुत ज्यादा कॉमनली आते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं विद छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, हार्ड सा होता है, तो क्या उनको भी फिक्रमंद होना चाहिए और क्या उनको भी आके चेकअप कराना चाहिए? इनिशियली दे शुड जस्ट गो टू अ फिजिशियन और अ सर्जन? बिल्कुल, उनको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, प्राइमरी फिजिशियन को जरूर दिखाएं इनिशियली, और वो उसी को देखें, अपने सेल्फ एग्जामिनेशन पे मत इतना रिलाय करें, पहले तो खुद देखें, अगर वो गिल्टियां खुद ब खुद रिजॉल्व नहीं हो रही तो उनको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और फिर वो अब किसी सर्जन को या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो वो तो खैर बाद में डॉक्टर का काम है कि वो किस तरह उसको इन्वेस्टिगेट कराता है, लेकिन गिल्टी किसी को भी आप लाइट में लें, ये औरत का हक है कि वो अपना सेहत को सबसे पहले देखे और उसके बाद सब कुछ है. और खुदा ना खास्ता ये डेफिनेटली मैडम, हमारे पास वक्त हो जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मजीद सवाल पूछते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. और जो ये फ्री क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं इस पूरे मंथ में, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए और उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514865653 पे, 0514865654 पे. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरोज से. जी मैडम, हेलो. जी. अच्छा मैडम, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. आपने हाई रिस्क ग्रुप्स के बारे में बताया कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी उनके घर में उनकी वालदा को या उनकी खाला को या बहनों को में से किसी को अगर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्राइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उनको चेकअप कराना चाहिए. वरना किसी भी उम्र की खातून को अगर गिल्टी महसूस होती है ब्रेस्ट में तो शी शुड कम और उसको फौरी तौर पे आपसे चेकअप करवा लेना चाहिए. एक चीज जो है जो हमेशा एक प्रोसीजर से पहले बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हर पेशेंट कॉन्शियस होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है क्या आप उसके हमें स्टेप वाइज बता सकती हैं कि हम स्क्रीन किस तरीके से करते हैं, जो हम कहते हैं कि आप क्लिनिक्स में आएं और अपने आपका चेकअप कराएं, या अगर क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप रेगुलर फॉलोअप कराते रहें, तो वो स्क्रीनिंग किस तरीके से कराते हैं? स्क्रीनिंग के लिए देखें, जिस तरह अभी हम कैंपेन कर रहे हैं, वैसे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किसी प्राइमरी सर्जन के पास जाते हैं, एग्जामिन करवाते हैं, और अगर एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एक ट्रिपल असेसमेंट टेस्ट उसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर का एग्जामिनेशन प्लस ये जो मैंने आपको एक एक्सरे बताया जिसका नाम मेमोग्राम है वो करते हैं. लेकिन छोटी उम्र की जो औरतें हैं या खवातीन लेस देन 40 इयर्स हो तो उनमें सोनोमेमोग्राम, हम अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट रिकमेंड करते हैं. और अगर उसमें फिर मजीद गिल्टी की वाकई हमें वो हो जाती है कि ये कंफर्म्ड है कि आ गई है, तो फिर हम उसकी एफएनएसी या बायोप्सी कराते हैं, यानी कि एक सुई वाला टेस्ट होता है,
तो उससे फिर हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें खुदा ना खास्ता जड़ों वाली गिल्टी है या बगैर जड़ों की गिल्टी है, मलिग्नेंसी है या फिर ये बिनाइन है। तो गिल्टी का फिर हमें वहां पर अंदाजा हो जाता है कि मजीद इसके इसको इसके लिए क्या करना है। तो ये मिनिमल टेस्ट हैं, कोई इतनी वो नहीं है कि इससे खवातीन डरें कि हम टेस्ट कराएं ना कराएं। तो ये बस बेसिक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर फर्दर उस पर फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अगर नहीं है तो उसको फॉलो भी करते हैं। फॉलो इस तरह होता है कि फिर आफ्टर 3 मंथ्स दोबारा उसको अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, अगर कोई गिल्टी का साइज उतना ही रहता है या रिजॉल्व हो जाता है या इस तरह, उसको फिर हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अच्छा सपोज़ली पेशेंट की भी होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, पेन होती है कुछ लोगों को, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिलीफ हो जाती है, कुछ मेडिकेशन से भी होता है, या अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है निपल से या इस तरह की, अक्सर लोगों की अपनी अपनी कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो उसके मुताबिक फिर हम देख लेते हैं। अच्छा सपोजली अगर खुदा ना खास्ता किसी की तशखीस हो जाती है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है FNAC पे या बायोप्सी के ऊपर, तो एक तशखीस हो गई है, उससे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलेंगे हम? देखिए, अगर ट्रूकट बायोप्सी पे कंफर्म हो जाता है तो फिर सर्जन एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करता है, और फिर हमारा ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें कीमोथेरेपी भी होती है, सर्जरी भी होती है और रेडिएशन भी होती है, यानी कि ट्रिपल मोडालिटी इसमें यूज होती है। तो हमारा बोर्ड बैठता है और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग होती है, इसमें एक सर्जन भी होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, और हम फिर डिस्कस करते हैं कि उसकी स्टेज के हिसाब से, क्योंकि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट तजवीज करते हैं। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी पहले लगती है और उसके दरमियान में या एंड ऑफ द कीमोथेरेपी सर्जरी होती है, और कुछ लोगों की पहले सर्जरी अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो हम पहले सर्जरी के लिए सर्जन के पास दोबारा भेजते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि सर्जन से सारी सर्जरी करवा के डिस्कशन के बाद फिर हम उसकी कीमोथेरेपी, और फिर जो ये सेशन होते हैं तकरीबन 3-4 महीने में खत्म हो जाते हैं, 3-3.5 महीने में 6 साइकिल्स लग जाते हैं, और उसके बाद फिर रेडिएशन होती है 1.5 महीने की या आधे मतलब 15 डेज की होगी, महीने की तकरीबन होती है। ठीक है, अच्छा मैडम, जो आपके अकॉर्डिंग टू यू जो क्योर रेट्स हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अगर अर्ली स्टेज पे प्रॉपर स्क्रीनिंग से डिटेक्ट हो जाए तो कितने चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है? बिल्कुल, स्टेज वन में 85-90% क्योर रेट है, और इसमें बहुत अच्छा ओवरऑल सर्वाइवल है पेशेंट का, कि बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल, हर चीज, बल्कि लोकल कंट्रोल भी, कि दोबारा बीमारी ना आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो। इसीलिए हम ये कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि हमारे पास और बाकी, उसमें कुछ सालों से जब से ये हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया, अब हम देख रहे हैं कि लोगों के अर्ली स्टेज भी कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस में आते थे, जबकि क्योर उसमें कम है। आप जितनी सेकेंड में भी क्योर रेट बहुत अच्छा है, थर्ड में थोड़ा कम हो जाता है, और फोर्थ में तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, वो मेटास्टाइज कर जाता है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। एक चीज जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी वो ये है कि जो आखिर में हमने बात की, जिसपे शायद हमने इतना दबाव नहीं दिया, वो ये था कि अगर बहुत जल्दी कैंसर पकड़ा जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। ब्रेस्ट कैंसर अगर बहुत जल्दी स्क्रीन हो जाए, स्टेज वन पे स्क्रीन हो जाए, तो मैडम ने जैसा कहा 90% चांस है कि वो क्योर हो जाएगा थ्रू डिफरेंट सेशंस। और एक और जो अहम बात इस पूरी गुफ्तगू में थी वो ये थी कि सर्जरी कराने से ना घबराएं। अगर आप एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, एक अच्छे डॉक्टर के पास गए, जो एक जिसने एक पूरा बोर्ड बिठाया है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने आपकी सेहत के बारे में बात की है, और अगर वो सोच रहे हैं कि आपके लिए सर्जरी ज़रूरी है तो ज़रूर उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वो शायद आपके लिए अहम है और शायद वो ही आपकी जान बचा सकेगी। हमारे साथ एक कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर आपका कोई भी सवाल है, या आप जहन में कैंसर से हवाले से नहीं या किसी भी चीज़ के हवाले से है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514865653 पे, 0514865654 पे। जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए बहुत सारे लोगों को स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, या आपको खुद कोई ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस होती है, या आपको लगता है कि आपकी छाती में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, या उसके अलावा आपको दर्द है या टेंडरनेस है, तो इलाज करा लेना बेहतर है, एक चेकअप करा लेना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी कैंसर ही निकलेगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक एम्बैरस्ड सी चीज़ होगी,
आपको जाना चाहिए और डेफिनेटली चेकअप करा लेना चाहिए. हो सकता है कि ये आपकी जान बचाने का पहला स्टेप ही. हमारे साथ एक कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी अब्दुल्ला साहब जी, एक हमारा बच्चा है छोटा 2 साल का, उसका बहुत बार जो है वो पेट खराब हो जाता है. दवाई के थोड़ा सा दवाई पीने में ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा पेट खराब हो जाता है. ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे की जो हाइट है वो उम्र के हिसाब से कम तो नहीं है? आपका बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नॉर्मल है. मतलब जब उसको जब पेट खराब होता है तो थोड़े अरसे के लिए ठीक हो जाता है. मतलब सेहत खराब होती है, वजन कम हो जाता है, मगर जब ठीक होता है तो उसका वजन वापस नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी आपने नोटिस किया हो कि गंदम या रोटी या सेरेलैक से बनी चीजें जब आप उसको दें तो तब उसका पेट ज्यादा खराब होता हो? नहीं. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात ये चीज थी कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है. अक्सर हमारा जो सबसे पहला कॉज है डायरिया का, जो सबसे पहला कॉज होता है पेचस का, वो ये होता है कि अगर हम पानी साफ ना पिए तो कोशिश करें अपने बच्चों को पानी उबाल के दें. वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती. उनको एंटीबायोटिक्स नहीं दें, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो खुदा ना खास्ता कभी आपका बच्चा दोबारा बीमार होगा तो उस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेंगी. इसलिए वायरल इन्फेक्शंस में कोशिश करें कि जिस तरीके से आपका एक जुकाम का मरहला होता है जो अपना 5 दिन का टाइम मुकम्मल करता है, उसको वेट आउट करें. 5-6 दिन में ये खुद ब खुद सेटल हो जाता है. आपने एहतियात सिर्फ ये रखनी है कि आप अपने बच्चे को खाना खिलाते रहें. बेशक पेचस हो रहे हैं, बेशक उसे मोशन हो रहे हैं, आप उसको खाना खिलाते रहें, उसको पानी देते रहें. ORS या आप घर पर भी बना सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सैशेज होते हैं. पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए. अगर आपका बच्चा जो है वो खाना पीना छोड़ दे या पानी लेना छोड़ दे तो उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं, फौरन इमरजेंसी लेके जाएं, ताकि उसका इलाज हो सके. हमारे पास एक और कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करनी है? मैं कौसर मैडम फैसलाबाद से बात कर रही हूँ. जी कौसर साहिबा, प्लीज सवाल पूछिएगा. डॉक्टर साहब, मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था. मुझे ना यानी कि पीरियड पहले तो ठीक आ रहे थे, बिल्कुल ठीक आते थे जब से मेरी यानी कि बेटी हुई है. वो बड़े ऑपरेशन से हुई थी, उसके बाद मुझे स्टिच भी लगा था और 9 मंथ में ना बेड रेस्ट पे मैंने गुजारा. लेकिन उसके बाद ना मेरी पीरियड के मसले बन गए हैं. अब पता नहीं 3-3 माह नहीं आती, 4-4 माह नहीं आती. अब इसका हल क्या हो सकता है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है तकरीबन 32 साल. 32 ईयर्स. ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा. एक और कॉलर है, हम इकट्ठे जवाब देते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, साथ बात कर रहा हूं गुजर खान. जी प्लीज पूछिएगा, सवाल पूछिएगा. मेरा सवाल है कि मेरी उम्र जो है तकरीबन 23 साल है और तकरीबन जो है 13 साल से ना मेरे आधे सर में दर्द होता है और सर का दर्द इतना शदीद है कि अक्सर का जो है मैं बेहोश भी हो जाता हूँ. ठीक है, मुझे जब शुरू में मुझे सर का दर्द शुरू हुआ था तो ये तकरीबन शहरी के टाइम पे होता था. उसके बाद मुझे वोमिटिंग, उसके बाद जो है बुखार हो जाया करता था. तकरीबन एक 2 दिन बुखार रहने के बाद हो जाता था, इस तरह होता था. ठीक है, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि आपने कभी अपना सीटी स्कैन वगैरह कराया और किसी डॉक्टर को चेकअप कराया? मैंने पिम्स पे कराया तो वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सर में दर्द होने से पहले आपकी आंखों से पानी आता हो या आपको जुकाम सी कैफियत हो या कोई आवाज सी सुनना बंद हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आंखों के पीछे आपको दर्द महसूस होता है? सॉरी, जब सर के दर्द की कैफियत होती है तो आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है? नहीं, सिर्फ मुझे जो है आधे सर का दर्द हुआ करता था. ठीक है, तकरीबन ना हल्का सा दर्द ना सारा दिन मुझे रहता है तो जरा सी कोई गुस्से वाली बात हो या गुस्सा मुझे आ जाए ना तो ये दर्द या शिद्दत इख्तियार कर जाता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. हम अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं. हमारे साथ एक और कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रही है? मैं लाहौर से नीमा बात कर रही हूँ. जी नीमा, की सवाल पूछेगा. डॉक्टर, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मेरा ना ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है 3 साल हुए. अच्छा, तो जो कीमोथेरेपी भी हो चुकी थी मेरी, अब मेडिसिन मेरी जा रही है. तो मुझे 3 साल हो गए, टीबीएस नहीं है, उसकी वजह से मेरा जिस्म भी काफी फूलता जा रहा है. और मेरे 3 बच्चे. अच्छा, और जो सर्जेरियन है तीनों. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये इधर ही रुक जाता है जो कैंसर होता है? ठीक है, आपके किस स्टेज पे कैंसर डायग्नोज हुआ था?
जी फर्स्ट स्टेज ही कह रही थी डॉक्टर से, मेरा शपथनाम से हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप सबके सवालों के जवाब देते हैं। वेलकम बैक जी, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514865653 पे, 0514865654 पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कौसर, मिसेस कौसर का फोन था फैसलाबाद से, जो इनकी पीरियड में इरेगुलरिटी थी सी सेक्शन के बाद। मेरा मशवरा ये है कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अपनी हार्मोनल प्रोफाइल कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड का कराएं। अक्सर ये हो जाता है, वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगी, वो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का कोर्स होता है, उसके बाद जो है वो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर चेकअप कराएं। दूसरा सवाल हमारे पास एक बहरिया टाउन से आया था, जिनको आधे सर में दर्द होता था और उसके बाद उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और फिर बेहोश हो जाते थे। उनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को एक दफ़ा चेक करा लें कि खुदा ना खास्ता आपको कोई ब्रेन इशू तो नहीं है, कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। और जो हिस्ट्री बताई आपने बहुत अनलाइकली है, सीटी स्कैन अगर आपका नॉर्मल आया है इसका मतलब ये है कि आपकी मोस्ट लाइकली जो है ये टेंशन हेडेक है, जिसको हम मिग्रेन का नाम भी देते हैं। बहुत शदीद दर्द होता है जिसके बाद वॉमिटिंग या नौजिया की कैफियत होती है, बेहोशी तारी हो जाती है, या उससे पहले जो है एक अजीब सी कैफियत तारी होती है जिसे आपको पता चल जाता है कि आपके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। उसका इलाज सिर्फ पेन किलर्स है, लेकिन वो डायग्नोज करने के लिए या तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी अच्छे वेल नोन जनरल प्रैक्टिशनर के पास दिखाएं। एक नईमा बीवी का सवाल था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, लाहौर से क्वेश्चन आया था हमारे पास कि उन्होंने अपनी सर्जरी भी करा ली है और उनको जो है वो दवाइयाँ वगैरह ले चुकी हैं, 3 इयर्स हो गए उनको कैंसर के बारे में। वो ये जानना चाहती थी कि क्या ये यहाँ पर रुक गया है या ये रिकर हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने रेगुलर फॉलोअप सेशंस कराने पड़ेंगे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं। आपने शौकत खानम का नाम लिया, आप वहाँ जाके या जिस भी डॉक्टर को चेक करानी है उनके पास रेगुलर फॉलोअप रखें, ताकि अगर रिकरेंस हो तो उसी वक्त पकड़ी जाए। और अगर उन्होंने आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी है तो वो वहाँ रुक नहीं जाता, बल्कि कैंसर फ्री भी हो जाता है बंदा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रिकर ना कर जाए, दोबारा कैंसर ना हो जाए। तो दोबारा कैंसर ना होने के लिए जब तक आप फॉलोअप नहीं कराएंगे वो आपको नहीं पता चलेगा और कोई बता भी नहीं सकेगा। हमारे पास एक कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ। जी प्लीज सवाल पूछेगा। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 7 इयर्स हो गए हैं और है? जब शादी हुई थी तो उसके बाद 3 दफा मिसकैरेजेस हुए हैं और उसके बाद फिर एक बेटा हुआ है, उसके बाद फिर 8 मंथ की बेटी थी मेरी, पेट के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और उसके बाद ये अब तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। अच्छे से अच्छे मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है, अब उन्होंने मुझे डूफास्टेन उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी भाई उसके लिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। उन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर की एस कार्ड यूज करती हूँ, नोरवासिक यूज करती हूँ, बट पर क्या करूँ मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपके हस्बैंड आपके कजन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम एक और कॉल ले लेते हैं फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी प्लीज सवाल पूछिएगा। जी मेरी उम्र 14 साल है और मेरे सर में बहुत दर्द रहता है एनी टाइम। अच्छा, हर वक्त दर्द रहता है? जी एनी टाइम मेरे सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। आपने अपनी आई साइट चेक कराई है कभी? जी अपनी नजर चेक कराई है? जी मैंने कराई थी और मेरी आई साइट वीक थी और अब सही हो गई, मैंने इलाज भी कराया लेकिन फिर भी मेरे सर में दर्द रहता है। ठीक है, तो मुमकिन ये है कि आप, जी मुमकिन ये है कि आप दोबारा किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। नज़र जो है वो अगर आप इलाज कराएं तो वो ठीक नहीं होती अनलेस आप उसका परमानेंट इलाज कराएं, जिसको हम लेजर सर्जरी या लेसिक सर्जरी कहते हैं। तो अगर आपने वो नहीं कराई और आपको खुद ब खुद लगता है कि ठीक हो गई तो ऐसा नहीं होता, आप दोबारा आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी आई साइट चेक करवाएं, हो सकता है वो आपके कम हो रही हो इसीलिए सर में दर्द हो। और मेरा सवाल ये भी था कि मेरी 14 साल है और मेरी मेंसेस अभी से इतने खराब हैं। खराब है कि हुए नहीं है? जी बहुत खराब है, होते नहीं है ज्यादा, 3 दिन 2 दिन से ज्यादा। वो बहुत नॉर्मल है, 3 दिन इज फाइन। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा सस्पेशन है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो चेकअप करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप हर चीज को बारे में बहुत टेंशन लेती हैं और बहुत परेशान रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो मोस्ट लाइकली नॉर्मल है। ठीक ठीक है,
हमारे पास एक मुल्तान से कॉलर आई थी जिन्होंने ये पूछा था कि 7 ईयर्स हो गए उनकी शादी को, इनिशियली मिसकैरेज था. अगर अल्लाह की तरफ से कुदरती निज़ाम ऐसा होता है कि अगर बच्चे की बनावट ठीक ना हो रही हो तो वो खुद ब खुद ज़ाया हो जाता है. तो अगर मिसकैरेज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी निशानी होती है. फिर भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं. बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं खातून के अंदर होती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है. आपने हाइपरटेंशन का जिक्र किया, हाइपरटेंशन का प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, एक दफ़ा अगर प्रेगनेंसी हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर फिर भी उसमें तेज़ हो तो फिर दोनों माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं. लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी ना होना ये एक वजह नहीं है. प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखना चाहिए. यानी अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है और आपको इंशाल्लाह अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपने उसके अंदर तब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपका बीपी कंट्रोल में रहे. वो आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो आपस में मिलकर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी. उससे पहले आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, बहुत सारे अब तो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं डॉक्टर्स, किसी भी अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक पे चली जाएं और वो इंशाल्लाह आपको आपकी मदद कर देंगे. अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम रह गया और हमेशा हम ये कहते हैं कि हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं. आज एक ओपन एयर क्वेश्चन शो था जिसके अंदर बहुत सारे सवाल आता है. जो एक टेक होम मैसेज होता है वो हमेशा ये होता है कि आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लें. जिसने एक बच्ची ने अभी कॉल की थी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, अगर नहीं भी है तो अगर आप खुश रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. आप बहुत ज़्यादा परेशानी चीज़ों की नहीं लेंगे तो ऑलरेडी आपकी बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी. और एक और अहम बात ये है कि अगर आप किसी मसले का सलूशन नहीं निकाल सकते तो उस पर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे अल्लाह ने लिखा होगा वैसा हो जाएगा. और इसके साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, रेगुलर वर्जिश करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें. और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे किसी एक नए मौजू के साथ. अब तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.